शिवाजी महाराज का पूजन होने वाला है हिंदू स्वामी और दूसरी बात वो वंचित आघाड़ी के कैंडिडेट हो सकते हैं उनके साथ जो फोटो लगे। देखिए मतलब क्या है कि छत्रपति शिवाजी महाराज, बाबा साहब अम्बेडकर, ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी भी अपनी महानता इस वजह से नहीं महान बने वो कि मैं इसका मेरा फायदा, मेरे नाम का फायदा राजनीतिक तौर के ऊपर लिया जाए करके। ये जो है कि शिवाजी महाराज किसी एक समाज के, किसी एक तबके के हैं, जितनी इज्जत शिवाजी महाराज की दूसरे लोग करते हैं उतनी हम भी करते हैं। हर्षवर्धन जाधव ने मुझसे कहा कि साहब हम एक वो निकालना चाह रहे हैं, हम एक रैली निकालना चाह रहे हैं प्रिंट रॉयल से क्रांति चौक तक का, और हम चाहते हैं कि उसके अंदर आप भी आए, मुसलमान समाज भी आए। तो हमने कहा बिल्कुल आएंगे, 100% आएंगे उसमें। बात ये नहीं है कि वो कौन निकाल रहा है, कल के दिन आप निकाले होते या उसमें से कोई निकाले होते और किसी ने हमारे को रिक्वेस्ट किया होता तो हम उनके साथ भी गए होते, ये उसने इन्वाइट किया हमारे को। तो हमने सोचा कि हम किसी कैंडिडेट या पॉलिटिकल अगर उसका वो मंशा रहेगी तो हम बिल्कुल खतई इसके अंदर ये नहीं। लेकिन ये है कि एक अच्छे इंटेंशन से उन्होंने हमको रिक्वेस्ट किए कि आप भी आइएगा। शिवाजी महाराज के नाम के ऊपर जो राजनीति चलती है वो सब एक तरह से एक उसको लगाम लग जाएगी उसके अंदर। तो हमने कहा कि हम आएंगे उस मोर्चे के अंदर शामिल होंगे उसमें। जहां तक पूजन का सवाल है, आपने कहा है कि हम पूजन जो है वो हमारे उसके अंदर है नहीं, उसके अंदर मुसलमानों के अंदर। हाँ, उन्होंने खुद ने मुझसे कहा था कि ये पूजन जो है ये गलत हुआ है, बाद में उन्होंने कुछ नए होर्डिंग जो बनाए हैं उसके अंदर ये किया है, हम जाएंगे उसके अंदर। देखिए आप एक बात ये समझ लीजिएगा, अगर ये इस वर्डिंग्स का अगर ये करें, आप जब इफ्तारी के लिए है तो पवार साहब को बुला रहे हैं, अजीत पवार को बुला रहे हैं, अशोक चौहान को बुला रहे हैं, तो आप उसको ये नहीं बोलते हैं कि साहब आप रोजा रख के आना करके, आप रोजा रख के आएंगे तो हम आपको इफ्तारी करवाएंगे करके। वो एक प्रतिपात्मक होता है कि साहब हम इफ्तारी करवा रहे हैं, आइए हमारे साथ बैठिएगा करके। तो वो हिसाब से ये है उसको इतना बड़ा नजदीकियां। ये एक चीज है कि आप लोग खुद बताते हैं कि मेरी नजदीकियां किस किस के साथ है करके, तो मुझे खुद नहीं समझ में आता है कि मेरी नजदीकियां एक्चुअल में किसके साथ है। ये मुद्दे को इसको सियासी तौर के ऊपर ना देखें, राजनीतिक तौर के ऊपर इलेक्शन आएंगे, कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा, किसको टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, वो एक अलग बात है उसके बाद। लेकिन 19 के दिन जयंती है उसका नाम शामिल।